यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, जो मंदिर में सामान वगैरह लेके जाना है। और चाय मेरी साथ साथ चल रही है, चाय की भी तैयारी, क्योंकि ये मना कर रहे हैं कि नहीं मुझे चाय नहीं चाहिए। और मैं इन्हीं को बोल रही हूँ कि अब से क्या आप भूखे रहेंगे, क्योंकि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भूखा नहीं रहना चाहिए। तो थोड़ी सी चाय ले लो, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह ले लो। तो बस वही मैं इनको बोल रही हूँ। और फिर इनको भी मैं फीकी चाय बना के दे दूँगी, और फिर उसके बाद बनानी है मुझे पापा के लिए भी। तो सब चाय लेंगे, तो फिर पूजा में चलना है, लेट हो रहा है। तो बस मैं यहाँ पे तैयारी कर लेती हूँ और फिर चलेंगे पूजा में, सारा काम ख़त्म करने के बाद। तो जो जो भी मुझे सामान लेके जाना है, वैसे तो रात को ही सारा सामान तैयार करके रख दिया था, लेकिन कुछ छोटा मोटा सामान है, जैसे घी मैंने अभी रखा है, और फूल वगैरह फ्रिज में रखे हुए थे वो निकाल दिए हैं, दिया। तो इस तरह से जो छोटे मोटे सामान है ना, बस वो मैं तैयार कर रही हूँ। ऑरेंज तैयार हो गया है, वाइट कुर्ता इसने पहन लिया है, तो बस सब नहा धो लिए हैं, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो सारी तैयारी हो चुकी है और ये सब चले गए हैं सारा सामान लेके शॉप पे, क्योंकि आपको पता ही है आज है हवन पूजा हमारी शॉप में, तो ओपनिंग है आज। तो बस वही उसकी तैयारी चल रही है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। साड़ी वगैरह मैंने नहीं पहनी क्योंकि 8 बजे का टाइम है और फिर हो जाएगा लेट। साड़ी वाड़ी पहनूंगी, और गर्मी धूप इतनी तेज है कि वहाँ पे पंखा तो चलेगा नहीं, तो हवन होगा, तो इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो मैंने ये सूट पहन लिया है, और रेड एंड ग्रीन, जिसका रेड दुपट्टा है और जो कि थोड़ा सा रानी आ रहा है। तो मैंने, चलिए साड़ी वाड़ी नहीं पहनते पूरा दिन जो है, फिर थोड़ा सा सिटिंग में भी लगना है, सेटिंग करनी है थोड़ी सी, कुछ इन्होंने कल कर दिया था लेकिन बहुत कुछ आज करना है, तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा आज। फिर पूजा कराने के बाद, घर आने के बाद खाने वाने का भी देखना है, तो बस इसीलिए मैंने सूट ही डाल लिया है फटाफट से। और घर का पूरा क्लीनिंग का, झाड़ू पोछा सब, पूजा वगैरह सब हो गया है, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि घर ऐसे नहीं छोड़ा जाता। पहले घर की पूरी क्लीनिंग करी है, अच्छे से पोछा वोछा लगाया है, और अब हम तैयार हो चुके हैं, सब जा चुके हैं, बस अब लास्ट मैं बची हूँ। तो बच्चे आएंगे कोई सा, तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी, और सामान वगैरह सब जा चुका है, बस लास्ट में मैंने पापा को भी चाय दी है, तो वे भी एक बार चाय पी लें। तो चलिए चलते हैं, आप भी हमारी पूजा में शामिल हो जाइए हमारे साथ। तो हम लोग आ गए हैं और पंडित जी ने तैयारी शुरू कर दी है। और ये पंडित जी हमारी कॉलोनी के मंदिर के ही पंडित जी हैं, हम इन्हीं से अपने पूजा वगैरह कराते हैं सारी। हमारा गृह प्रवेश भी इन्होंने किया था, और जैसे मैं सावन में उद्यापन अभिषेक कराती हूँ तो सब इन्हीं से कराती हूँ। पापा भी आ गए हैं और हम आ गए हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों को हमने इन्वाइट नहीं किया है, क्योंकि हमने छोटी सी पूजा रखी है, लेकिन किया है आस पड़ोस। तो अभी सुबह का टाइम है, सब लेट लेट ही आए। और यहाँ पे पंडित जी फोन में देख रहे हैं किसी का नंबर, क्योंकि आज पंडित जी को करना है किसी का भूमि पूजन भी। तो बस बिजी रहते हैं हमारे पंडित जी, थोड़ा सा फोन में लगे हुए हैं, दूसरे पंडित का अरेंजमेंट कर रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पे पूजा लगभग कंप्लीट हो गई है, जो पहले पूजा होती है तो वो सब हो गई है, जितने भी देवताओं की पूजा होती है, तो वो करने के बाद अब चल रही है हवन की तैयारी। तो अब हवन होगा और उसके बाद फिर आरती होगी। भगवान अग्निदेवता स्वाहा।
हाँ जी, तो पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है और काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, अब तो करीब 11 बज रहे हैं। तो आई थी मैं घर पे, आ गई थी पूजा के बाद थोड़ी देर बाद। ये तीनों वहीं पे हैं, अंश, श्रेय और इसके पापा। मैंने दाल चढ़ा रखी है, लाइट चली गई, मैंने दाल चढ़ा रखी है और दाल चावल ही बनाऊंगी क्योंकि अब ब्रेकफास्ट का तो टाइम नहीं है, तो बस मैं दाल चावल बना दूंगी क्योंकि फिर मैं वहीं पे जाऊंगी। तो बस ये तीनों हैं, मैं खाना वाना बना लूं। बर्तन हो रहे हैं बहुत सारे, वहां से भी बर्तन आए हैं और यहाँ पे भी, तो बर्तन करती हूँ खाने का करने के बाद, फिर कुछ लेके जाएंगे वहां पे सामान। और जो इन्होंने सेफ्टी आ रही है, तो जो इन्होंने दांत लगाया था ना, वो भी उल्टा पुल्टा ही है, तो सेट वाइज हिसाब से मैं उसको लगाऊंगी। तो देखते हैं, जैसे भी होगा करना तो है ही। शुरुआत कर ली है भगवान का नाम लेके, तो भगवान अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। बस इसी मनोकामना के साथ जो है पूजा वगैरह अच्छे से कम्प्लीट कर ली है, मन से कर लिया है, सब कुछ श्रद्धा से कर लिया है, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया है। जैसा उनको ठीक लगेगा वैसा हो जाएगा। अपनी कोशिश में कमी नहीं रखो, अपनी कोशिश पूरी करते रहो। तो बस हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो भगवान के ऊपर है। चलिए, तो अब मैं खाना बना लेती हूँ और कुछ खाने का रिकॉर्ड नहीं करूँगी, सिंपल दाल चावल बना रही हूँ और फिर बाद में जैसा होगा शाम तक आपके साथ रिकॉर्ड करूँगी। यहाँ पे टाइम है अब शाम का, थोड़ा सा सामान आया था घर से लेके आए थे, ये तो चले गए हैं ऑफिस दोपहर को लंच के बाद, और ये रख गए थे, कुछ बच्चे ले आए हैं स्कूटी से, तो बस यहाँ थोड़ा सा लगा रही हूँ। हिम्मत नहीं है, मुझे हो गया है बहुत तेज़ जुकाम, हवन के धुएं से मुझे पहले ही थोड़ा सा जुकाम ना हो रखा था, तो अब बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा तो लगा ही लूँ मैंने सोचा। और दोपहर में मैं थोड़े से इनके साथ फिर बाहर भी गई थी, एक पार्सल था बाहर का, USA का पार्सल था, तो वो मैंने इनके साथ ही किया है आज, वो काफ़ी बड़ा पार्सल था। वैसे तो श्रेय कर आता है, लेकिन श्रेय की जिद हो रही थी, नहीं मम्मी आज आप ही जाओ करने, आप ही उनसे मिल के आओ, मैं उनसे अभी मिल के भी नहीं आई थी, तो बस आज हम दोनों ही गए थे। तो फिर वो ऑफिस चले गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने इस काम में। यहाँ पे आपने देखा, ये है नेक्स्ट डे। उस दिन फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तो गणपति विसर्जन हो रहा है और ये मंदिर वाले गणपति नहीं है, ये आगे हमेशा एक टेंट वगैरह लगाया जाता है, तो उसमें ना एक गणपति आते हैं हर साल, पार्क में लगाया जाता है, तो ये वो गणपति हैं, हर साल बड़ी धूमधाम से करते हैं, और अब कोविड की वजह से ना छोटे ही गणपति आ रहे हैं हर जगह, नहीं तो बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो ये विसर्जन को जा रहे हैं, मैंने दर्शन कर लिए अच्छे से, और जो है यहाँ पे मैंने अपना काम फिर से शुरू कर रखा है वही। हाँ जी, तो मैं शॉप से आ गई हूँ और टाइम हो रहा है 7:15 का, 7 का टाइम है, और गर्मी मुझे इतनी ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा।
टाइम हो रहा है खाना बनाने का, पूजा करने का सबसे पहले तो, लेकिन गर्मी मुझे ज़्यादा लग रही है, तो पहले मैं जाके नहाऊंगी, थोड़ा फ्रेश होऊंगी और थकान सी भी थोड़ी सी उतर जाएगी, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं खड़े खड़े पूरा दिन काम करते हुए। तो बस पहले सोच रही हूँ मैं नहा लूँ, तभी जाके कुछ थकान सी उतरेगी और थोड़ी सी गर्मी भी कम होगी। हालत आप मेरी देख सकते हैं, वो आपको अंदाजा लग जाएगा। कल बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया था, कल कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आज जाके मैंने अब कैमरा उठाया है, थोड़ा सा शॉप में ही थी तो विसर्जन आपको दिखाया, गणपति का विसर्जन हो रहा था तो वो, और बस अभी आई हूँ। पहले मैं नहा लूँ फिर बनाऊँगी खाना। खाने में बनाना है कढ़ी पकौड़ा, जिसकी रेसिपी शेयर इस चैनल पर नहीं करूँगी, इस वीडियो में बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियो ना पूरी पूजा से चली आ रही है और थोड़ा सा टाइम की कमी से आज आपको वीडियो नहीं मिली, जबकि वीडियो तैयार रखी थी, थोड़ी सी बस वॉइस ओवर की कमी थी, वो मुझसे नहीं हुआ, तो वो वीडियो आपको कल मिलेगी। नए चैनल का नाम तो आपको पता ही है, AS गुड लाइफ, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फटाफट से उस चैनल पे जाइए और प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ कि मैं दोनों चैनलों पे कंटिन्यू वीडियो डाल सकूँ, तो उस पे भी धीरे धीरे से ना सब्सक्राइबर हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप और सपोर्ट कर दीजिए, जिससे कि मेरा चैनल जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो जाए, फिर मैं इस पे व्लॉग छोड़ दूंगी, व्लॉग मेरे उस पे जाएंगे, तो इसलिए मैंने, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए मैं इस पे व्लॉग डाल रही हूँ अभी। तो चलिए फिर सारा कुछ ना एक पे मिलेगा आपको, सिर्फ ये फैब्रिक का रह जाएगा। तो चलिए मैं नहा लेती हूँ फटाफट, इतना टाइम नहीं है, पापा को बहुत लेट हो जाएगा खाना खाने को, हालांकि अभी वो पूजा करेंगे, मंगल की पूजा उनकी थोड़ी सी लेट होती है, मंगलवार है ना आज ट्यूजडे, तो वो थोड़ा सा मतलब देर से होती है, मतलब ज़्यादा लंबी होती है। तो चलिए फटाफट से मैं नहा लेती हूँ और फिर मैं पूजा करूँगी, उसके बाद जाके खाना बनेगा, जब तक मैं चावल वावल भिगा के रख दूँगी। ओके जी, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे पूजा वगैरह मेरी हो गई है, मैं नहा ली थी और गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो मैंने दुपट्टा भी नहीं लिया, पूजा में ले लिया था, क्योंकि अब पापा नहीं आएंगे, जैसे लगता है ना पापा पूजा के लिए आएंगे तो मैं शाम को दुपट्टा रखती हूँ, लेकिन अब पापा ने पूजा कर ली है, आराम से बैठ गए हैं अपने रूम में, तो अब तो सिर्फ खाना ही खाया जाएगा, तो वो बात नहीं है कि अब कहीं पापा ना आ जाएं, पापा के सामने मैं ऐसे नहीं रहती हूँ, दुपट्टा ले लेती हूँ लेकिन ऐसे चल जाता है। तो इधर मेरी कढ़ी पक रही है, कढ़ी को मैंने तड़का पहले लगा दिया था और बाद में दूसरी कढ़ाई में मैंने पकोड़े बनाए हैं, तो पकोड़े इधर सिक रहे हैं और बर्तन वगैरह भी ऐसे ही हैं जो मैं दोपहर में करके चली गई थी, वो मेरे अभी तक रखे हुए थे ऐसे ही। तो अब थोड़ा सा टाइम टेबल पूरा चेंज होगा मेरा, रूटीन थोड़ा सा ना टाइम लगेगा बनाने में, क्योंकि बाहर शॉप पे जाना है, घर में तो ऐसा था कोई आ गया देख लिया फिर मैं अपने काम पे लग गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे मुझे ड्यूटी देनी होगी और घर का भी जो है टाइम देखना होगा। तो जब भी टाइम लगेगा, जैसे दोपहर में मैं थोड़ी बहुत देर के लिए आती हूँ तो उस टाइम कर लेती हूँ बर्तन वगैरह, तो ऐसे मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। और चावल का पानी मैंने साथ साथ चढ़ा दिया है, तो यहाँ पर सारा काम मेरा लगभग हो जाएगा। और थकान थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि एक तो मुझे हो रखा है जुकाम, जुकाम में बहुत ज़्यादा शरीर टूटता है, नज़ला जुकाम होता है जो भी आप बोलते हो, तो वो हो रखा है। और साथ साथ चल रही है सेटिंग काफ़ी, घर से सामान ले जाना, क्योंकि ये अपना ऑफिस नहीं छोड़ते हैं, ये छुट्टी नहीं रखते ऐसे कि चलिए मैं ले लेता हूँ छुट्टी, क्योंकि प्राइवेट जॉब है अपने हिसाब से नहीं चलती। तो बस फिर बच्चे ही ले जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, और 2-3 दिन हो गए हैं पूरा शिफ्ट करते करते, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो आज भी मैं आ गई हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ जी, तो सारा काम हो चुका है और मैं बैठ गई हूँ बिस्तर पे, रूम में आ गई हूँ, सारा काम करके, किचन का सब कुछ करके, और मैंने अपना चेहरा धो लिया है और बिंदी नहीं है, बिंदी नहीं होती है ना, तो साथ साथ कॉमेंट आते हैं कि आपके चेहरे पर बिंदी अच्छी लगती है, बिंदी के बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो रात में ना मैं जैसे इस टाइम मुँह वगैरह धोती हूँ ना, तो उतार देती हूँ और वो उतर भी जाती है कई बार, क्योंकि मैं बहुत ही छोटू सी बिंदी लगाती हूँ, बड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, पता नहीं मेरे ऊपर कैसी लगती है लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं बड़ी तो लगाती नहीं, तो बहुत ही नाजुक सी होती है तो उतर जाती है। और रात को वैसे भी ना बिंदी उतार के सोना चाहिए, नहीं तो 24 घंटे यहाँ पर लगे लगे ना निशान पड़ जाता है, तो इसलिए रात के लिए तो अवॉइड कर देना, कोई बात नहीं, दिन में तो मैं लगा के रखती हूँ। तो चलिए बिंदी की बात हो गई,
बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको मेरी शॉप, क्योंकि कुछ सामान कुछ हद तक लग चुका है। अब तो बहुत ही थोड़ा बहुत रहा है, जो बिल्कुल एकदम लेटेस्ट कलेक्शन है, न्यू कलेक्शन है, वही रखा हुआ है जो फ़िलहाल हाल ही में आया था, तो वो रखा हुआ है, बाकी तो लगभग लग ही गया। और अब थोड़ा सा टाइम है बस, बहुत ही थोड़ा सा, तो फिर विंटर का शुरू हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, जैसा जैसा होता है वैसे वैसे मैं वहाँ पर सेटिंग अपना करती रहूँगी। और दो तीन दिन हो गया, लगभग नहीं पूरे ही हो गया संडे से अब तक, क्योंकि संडे के दिन भी साफ़ सफाई हुई थी, थोड़ा सा सामान भी रखा था, और फिर मंडे में पूजा, शाम को फिर सामान शिफ्ट किया काफ़ी, और आज पूरा दिन हो गया है मुझे सामान लगाते लगाते, तो तीन दिन पूरे हो चुके हैं। आज पैर बिल्कुल जवाब दे रहे हैं कि अब खड़े नहीं होना, तो बस अब तो हो ही गया है। कल का थोड़ा सा काम बचा है, लेकिन कल मैं जल्दी नहीं जा पाऊँगी, कल कुछ है और जो आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाऊँगी। तो कुछ जो होता है इस महीने में, जो जिनके यहाँ होता होगा, अगर हमारी साइड के होंगे तो उनको तो पता होगा, एक व्रत होता है, तो वो व्रत है कल मेरा, तो वो ना सीक्रेट होता है, उसमें लेडीज़ देख सकती हैं, जेंट्स नहीं देख सकते, जो हम बनाते हैं खाना पीना, तो वो छुप के करना पड़ता है, तो वो मेरा फास्ट है कल, वो मैं शेयर नहीं कर सकती, और इसीलिए फिर मैं लेट ही जाऊँगी शॉप पे भी। अंश रहता है ना, तो लेकिन अंश का क्या है, अभी उसको इतने रेट वगैरह नहीं पते, इतने प्राइस कहाँ है, मतलब ध्यान रखे, और उस पर ना सब पे टैग वगैरह भी, रेडीमेड पे ठीक रहता है, उन पे टैग होते हैं, लेकिन सूट वगैरह पे टैग नहीं लगा के रखते हम, लेकिन थोड़ा सा पहले करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे घर में काम होता है, वैसा नहीं मैं पूरा दिन वहाँ पे बैठ सकती, दिन तो बैठ भी जाऊँ लेकिन शाम नहीं बैठ सकती, शाम को पूजा का भी टाइम होता है घर पे, और पापा हैं उनके लिए फिर टाइम से थोड़ा सा खाना भी बनाना पड़ता है, मतलब थोड़े से टाइम से, बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं बन रहा है, लेकिन 9 बजे तक तो हर हाल में खाना बनना, खाना उनके सामने जाना चाहिए, तो फिर आना पड़ता है शाम को। तो जैसे भी है, रूटीन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेंज होगा और सब अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा मुझे लगता है, लेकिन बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ना शाम की आएगी, जो रात का खाना बनता है वो थोड़ा टाइमली बनता है ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा लेट बना लो, और फिर लेट भी बना ले तो सुबह जल्दी उठना होता है। आज भी देखिए मैं 11 बजे लेटूंगी और सुबह 3:30 पे उठ जाना है, क्योंकि ये जाएंगे फिर बाहर, कल अभी आए थे 4 दिन में पीछे, और फिर इनका टूर है कल बाहर का ही, मीटिंग वगैरह है इनकी, तो ये जाएंगे हेड ऑफिस जाते हैं ये मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे जाएंगे, तो सुबह जल्दी उठना है, 3:30 के करीब उठ जाना है, फिर इनको तैयार होना है, ब्रेकफास्ट वगैरह देना है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो सुबह मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन जैसे ब्रेड व्रेड नहीं खाते ना ये, तो एक पराठा सेक दिया या तो इस तरह से जो भी है, चाय वगैरह बनानी तो वो है, पहले गर्म पानी करके देना, क्योंकि सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, तो वो सब में ना फिर आप कपड़े तैयार कर दो, आप टावल रख दो, ये कर दो वो कर दो, तो फिर उठना पड़ता है, और हाथ में कैमरा है तो थोड़ा हिल रहा है, तो इसलिए सुबह भी जल्दी उठना है, ये सो भी गए जल्दी उठना मुझे भी है लेकिन ये सो गए। तो चलिए जी, मैंने कर दी हैं बहुत सारी बातें, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, हमारी पूजा, हमारा हवन, जो भी आपको पसंद आया हो उसी क्लिप के लिए आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जल्दी से जल्दी। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।